समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, 13 और इसी प्रकार आगे के प्रथम तीन पदों का योग S3 से व्यक्त करें तो S3 बराबर 5 + 7 + 9 = 21। इस समांतर श्रेणी के पहले चार पदों का योग पता करने के लिए आप इसके पहले चार पद यानी 5, 7, 9 और 11 का योग करेंगे। इस तरह से पहले चार पदों का योग 32 प्राप्त होगा। परंतु यदि आपको इस श्रेणी के पहले 90 पदों का योग पता करना हो तो श्रेणी के पहले 90 पदों को जोड़ना पड़ेगा। यह बहुत लंबा होगा, किंतु आप इस श्रेणी के प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और पदों की संख्या एन पता करके पहले एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का योग। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 5, 7, 9, 11, 13 और इसी प्रकार आगे। अब यदि इस समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग मुझे ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी के योग को हम S से दिखाते हैं और यदि इसके तीन पदों का योग ज्ञात करना है तो हम इसे इस प्रकार S3 से व्यक्त कर सकते हैं इसके योग को। तो हमें क्या मिलेगा इसका योगफल? 5 + 7 + 9 यानी कि बराबर हमको मिलेगा 21। इसी प्रकार यदि हम चाहें तो इसके चार पदों का भी योग ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम S4 से व्यक्त करेंगे और उसमें हमें इसके प्रथम चार पदों को हम यदि जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? ये तीन पद को तो हमने जोड़ा था 21 और - 11 यानी कि ये मान हमें मिल जाएगा 32। परंतु सोचें यदि इस समांतर श्रेणी के 90 पदों को हमें जोड़ना हो या इससे भी अधिक पदों को यदि हमें जोड़ना हो, उसका योगफल ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में यह बहुत लंबा होगा। किंतु यदि इस श्रेणी के प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और पदों की संख्या n, ये यदि हमें पता हो तो हम इस श्रेणी के पहले के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए मान लीजिए समांतर श्रेणी 1 और सार्वांतर डी है। इसलिए श्रेणी क्या हो सकती है, क्या लिखेंगे हम श्रेणी? यदि उसका प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है तो प्रथम पद ए, दूसरा पद सार्वांतर को जोड़ने पर ए धन डी और तीसरा पद हो जाएगा ए धन 2d। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और इसी प्रकार हम इसके अगले पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये एक हमारी समांतर श्रेणी हो गई। अब माना समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योग 3 है तो S3 बराबर कितना हो जाएगा? इस समांतर श्रेणी से हम यदि इसके तीन पदों का योग लेंगे तो ये a धन d दूसरा पद और तीसरा पद a धन 2d, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें S3 का जो मान मिला है वो प्रथम तीन पदों को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला a धन d a धन 2d। इसे हम इस पदों को योग को जो है पदों का योग हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं।
से विपरीत क्रम में लिखने पर। इसको विपरीत क्रम में लिख लिए तो एस थ्री बराबर, यानी कि हम तृतीय पद को पहले लिख रहे ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। इसे हमने समीकरण एक माना था और ये हो गया समीकरण दो। अब हम समीकरण एक और दो को पदों के अनुसार जोड़ेंगे, को पदों के अनुसार जोड़ने पर। पदों के अनुसार जोड़ने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर पहले पद को इसके साथ, दूसरे पद को इस पद के साथ और तीसरे पद को इस पद के साथ जोड़ेंगे। तो जब हम बाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो हमें S3 और S3 को जोड़ने से मिलेगा 2S3। अब देखिए ध्यान से, हम A के साथ इस पद को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया A धन 2D। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला पद जो होगा वो देखिए ए धन डी के साथ इस ए धन डी को जोड़ना होगा तो ये इस प्रकार लिखाएगा ए धन डी धन ए धन डी। इसी प्रकार अगला जो होगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये तीसरा पद इसका बड़े कोष्टक में ए धन टू डी और धन यहाँ पर यह हमारे पास ये पद है ए। इसे फिर से पुनः व्यवस्थित करेंगे और हम यहाँ देख सकते हैं ए धन ए, मतलब यहाँ पर कोष्टक को खोलने से हमें मिलेगा दो ए धन दो डी। उसी प्रकार यहाँ पर कोष्टक को खोलने के बाद हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर दो बार ए है तो ये हो गया फिर से दो ए धन दो डी। और बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ये पद दो बार दिख रहा है तो ये भी कोष्टक में हो जाएगा दो ए धन दो डी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि 2s3 बराबर हमें मिला था 2a प्लस 2d और उसके बाद दूसरी बार भी 2a प्लस 2d और तीसरी बार भी मिला था 2a प्लस 2d। तो इस प्रकार ये पद हमारे पास समान पद तीन बार है तो हम 2s3 को लिख सकते हैं तीन गुणित 2a प्लस 2d, सॉरी 2d, हम इसे लिख लेते हैं 2d। तो अब s3 का मान यहाँ से क्या मिलेगा, आप इसे लिख सकते हैं दो का पक्षांतर होगा तो तीन बटे दो और ये हो गया 2a प्लस 2d। तो अब हम इसे इस प्रकार व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2a धन, इस 2 को आप तीन ऋण एक के रूप में भी लिख सकते हैं, तीन ऋण एक गुणित डी। अब हम इसे समीकरण तीन मान लेते हैं। मान लीजिए अब हमें समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योग ज्ञात करना है। माना समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योग S4 है तो S4 कितना हो जाएगा, S4 बराबर A धन D, दूसरा पद हुआ ये तीसरा पद जुड़ गया और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ये चौथा पद। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, पदों का योग विपरीत क्रम में लिखेंगे, लिखने पर हमें S4 कितना मिलेगा, देखिए हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले यह आएगा A प्लस 3D, फिर A प्लस 2D, A प्लस D और प्लस A। चलिए आगे देखते हैं, यदि हम इन्हें भी समीकरण का नाम दे दें, समीकरण तीन ये हो चुका था, समीकरण चार और समीकरण पाँच, इन्हें भी हम पदों के अनुसार जोड़ेंगे समीकरण चार और पाँच को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हमने
देखा था S4 का योग, चार पदों का योग हम देख चुके हैं, और समीकरण चार और पाँच को जोड़ने से हमें मिलेगा 2×S4, और इसे हम लिख सकते हैं a+3d+। मिटाओ, अब आप हड़बड़ी मत करो ना, मेरे प्रेशर में गड़बड़ होगा। ठीक है, मैं आराम से करती हूँ। चलिए, हमने देखा समीकरण चार और पाँच में हमने प्रथम चार पदों का योग लिया है, और उन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2s4 = बड़े कोष्टक में हम ले लेते हैं, पदों के अनुसार फिर से हम जोड़ रहे हैं जैसे हमने पहले किया था, तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी a+ a+3d a+d+ a+2d +a+2d+a+d और a+3d+a। कोष्टक खोलकर हम इसे हल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए दो पद हैं यहाँ पर हमारे पास a के, तो ये हो जाएगा 2a और 3d। कोष्टक को खोलकर हम इसे हल कर रहे हैं। दूसरे उसमें हमें क्या मिलेगा, कोष्टक को खोलने के बाद हल करने पर 2a+3d, पुनः इस बड़े कोष्टक को हल करने पर 2a+, ये देखिए a और a को जोड़ने पर 2a, और ये 2d और d 3d हो गया +, फिर से वही मिलेगा हमको a और a को जोड़ने पर 2a, और ये हो गया 3d। तो इस प्रकार ये समान पद हमें यहाँ पर कितने बार मिल रहे हैं, चार बार। तो हम क्या लिखेंगे, 4×2a+3d, और इस पर यहाँ पर हमें 2s4 s4 का मान यदि हम यहाँ से ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 4/2 2a+। ये देखिए यहाँ 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम 4×1 रूप में भी लिख सकते हैं, 4×1×d। ये हमारा हो गया समीकरण 6। अब इसी प्रकार जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उससे हम यदि S5 ज्ञात करना चाहें, तो अब हम S5 क्या लिखेंगे, S5 हमको मिल जाएगा 5/2 2a+5×1×d। S6 मिलेगा 6/2 2a+6×1×d। तो इन सभी समीकरणों के हिसाब से यदि हम इस समीकरणों को भी 6 है, ये 7 और इसे 8 मान लें, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने जो समीकरण 3, 6, 7 और 8 के पैटर्न को देखा है उससे हम यह कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a और सार्वांतर d है के प्रथम n पदों का योग sn हो, तो यदि हम उसे sn से प्रदर्शित करें तो sn का जो मान होगा, जो हमने अभी तक पैटर्न देखा उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2×a+n×1×d। इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हमें इस सूत्र की सहायता से ज्ञात हो सकता है।